हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, ये है शीतला अष्टमी की कथा, अर्थात शीतला माता की कथा, जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जो भी मनोकामना है वो इच्छा पूर्ति होती है। शीतला माता की कथा कुछ इस प्रकार है। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार माता शीतला ने सोचा, चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। वह गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन नहीं सहन कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ जा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरो जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है जब आप इस डुंगरी गाँव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का सुहाग अखंड रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना, साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर, परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, तूने जो वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। तब उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। दोस्तों, शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहां बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय। दोस्तों, शीतला माता ने जैसे गरीब बुढ़िया की मदद की, वैसे सभी की मदद करती हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपको शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी के दिन, जिस भी दिन आप व्रत रखते हैं, ये कथा आपको जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ।